एमसीसी की काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट हो सकती है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अपने स्टेट के कॉलेजेस को वो नहीं लेना चाहते हैं, अदर स्टेट के कॉलेजेस को लेना चाह रहे हैं। तो आपसे सबसे पहला आपके लिए होमवर्क यही होगा कि आप अपने स्टेट की प्रायोरिटीज बना लीजिए कि किस स्टेट में आपको पहले प्रायोरिटी करनी है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर राजस्थान हो, तो किस स्टेट में, वेस्ट बंगाल हो, किस स्टेट में आपको प्रायोरिटी रखनी है सबसे पहले। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मुझसे अगर प्रायोरिटीज मांगेंगे तो मैं आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट दे दूंगा, लेकिन उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क ये रहेगा कि आप अपनी स्टेट की प्रायोरिटीज बना लीजिए। उस स्टेट से रिलेटेड कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कैंडिडेट्स बाउंड्री मार्क्स पे हैं वो भी अपने घर में डिस्कस कर लें कि उनको कहीं का भी कॉलेज मिल सकता है, चाहे वो तेलंगाना का मिल जाए, आंध्र प्रदेश का मिल जाए, नॉर्थ ईस्ट के मिल जाए, असम का मिल जाए, या फिर तमिलनाडु के जो नए कॉलेजेस हैं 9 या 10 वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज एज अ बैरियर नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये इशू होता है कि सर वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहेगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगा, वहाँ कैसे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी अगर आप फाइनल सीट चाहते हैं MBBS की, क्योंकि राउंड 4 के बाद कोई भी सीट बचने वाली नहीं है एज पर MCC रूल। तो राउंड 4 तक अगर आप जाते हैं और आपको नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज मिल जाता है या साउथ का मिल जाता है, कहीं का भी मिल जाता है, तो आपको लेना ही पड़ेगा। चाहे फिर वहाँ पे 5 साल का बॉन्ड हो, 20 लाख का बॉन्ड हो, 50 लाख का बॉन्ड हो, ये सारा आप डिस्कस करके ही फाइनलाइज करिएगा अपनी काउंसलिंग। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कि पैरेलली अपनी प्रिपरेशन भी नीट 2022 की जारी रखे हुए हैं, उनके लिए भी ये कि ठीक है आप फोकस करिए, ज़्यादा स्टडी पे, काउंसलिंग पे आप फोकस मत करिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो राउंड 3 की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि उनका स्कोर कम है, तो वो अगर ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा फोकस करिए अपनी स्टडी पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस ईयर के बाद ड्रॉप नहीं करना चाह रहे हैं, 100% MBBS सीट लेनी है, कहीं पर भी लेनी है, तो अपने घर में डिस्कस कर लीजिए बैठ के कि कहाँ पे मिल सकती है, वहाँ पे जाना है नहीं जाना है, क्या प्रॉब्लम होगी, लैंग्वेज होगा क्या नहीं होगा, किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स आप डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद फिर मूव ऑन, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट आ जाता है कि सर यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हम तमिल के कॉलेजेस को नहीं लेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज को नहीं लेंगे, बॉन्ड होता है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि जो आपको मिल जाएगा वो फेस करना ही होगा। तो इसमें भी अपने घर में सबसे बात कर लीजिए कैसे क्या हो सकता है, और करना है नहीं करना है, नए कॉलेजेस को प्रेफर करनी है नहीं करनी है, कौन से स्टेट को पहले प्रेफरेंस करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आसान कर देंगी आपकी काउंसलिंग से पहले, ठीक है। क्योंकि सीटें आपको आपके रैंक, कैटेगरी रैंक के हिसाब से ही अलॉट होगी, उसमें जो कॉलेज आपको अलॉट होगा बेस्ड ऑन योर मेरिट होगा, और उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं राउंड 4 तक अगर आप जाते हैं तो। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लीजिए, और होपफुली सीटें काफ़ी लो रैंक तक जा सकती हैं राउंड 4 तक, तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाए।